सो गाइस दिस इज पैंग और हम यहाँ रुके थे शांति रेस्टोरेंट पैंग में, आंटी जी का है। और रात बहुत ठंड थी तो हमें यहाँ शेल्टर दिया गया पैंग में। वी वॉज ट्रैवलिंग फ्रॉम सरचू टिल पैंग और नाइट ड्राइव थी बहुत ख़तरनाक, मैं बता नहीं सकता हूँ। अब आगे का दिखाते हैं आपको लेह के रास्ते कैसे हैं। सो लेट्स गो एंड मूव टूवर्ड्स अवर डेस्टिनेशन, स्टे ट्यून्ड। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना। बच्चा ये हमारे लिए गिफ्ट है, मैंने गिफ्ट है। थैंक यू सो मच आंटी जी, वेलकम। आएंगे दोबारा बहुत जल्दी, ठीक है? ठीक ओके। लो गिफ्ट। तो भाई ये आज का व्यू है, हम पहुंचने वाले तांग लांगला। हाँ खींच रहा हूँ। ये रोड बहुत स्लिपरी है, फुल बर्फ है। अभी हमारी गाड़ी फिसल गई, हम लोग बच गए गाड़ी जाने की खाई में। अब हम अलर्ट हो गए हैं, अब हम गाड़ी में ब्रेक नहीं मारेंगे, वरना ज़्यादा रेस देंगे। लांगला अपना बस आने ही वाला है, 4-5 किलोमीटर बाकी है। तो गाइस यहाँ पे तो हमें रोड भी ढूंढ ढूंढ के चलना पड़ रहा है, बर्फ इतनी है कि समझ नहीं आ रहा कहाँ रोड है कहाँ क्या है। बचा है 110 किलोमीटर। ऊपर है एलपीजी रोड तो दिखती है, बट यहाँ भी ब्लैक आइज होगी। कभी भी रोड देख कर भगाना मत लग जाना, हम ब्लैक आइज होती है भाई। रोक लो एक बारी फोटो खिंचवाएंगे। तो गाइस हम पहुंच चुके हैं तांग लांगला, 17,582 फीट पर अभी हम हैं। और यहां आ रहा है बर्फ का तूफान। बहुत मजा आ रहा है, बहुत बहुत ज्यादा। तो गाइस अभी तो हम बाइक पे आए नहीं है, बट आई कैन सी अ बाइकर। देखो भाई बहुत स्लिपरी रास्ता है, बहुत मुश्किल से चला पा रहा है वो बाइक। तो
बर्फ ही बर्फ है, फुल पावर। बस फिर आगे तो कम है, बढ़ जाएगी ऐसे ऐसे आगे। जो ये वाला पास निकाल लिया ना आपने, फिर कुछ नहीं है। फिर अभी कौन सा पास है आगे? यही बस। नाम नाम क्या है? नाम कुछ नहीं है, बस 100 मीटर आगे पास है। चलो तो भाई जब बारी है अपनी गाड़ी निकालने की। इधर कट, कटी कट कट, ये पक्की जगह है, कोई बात नहीं, चल नहीं लगी। गाइस ये सारे ट्रक फंसे हुए हैं यहाँ अपनी गाड़ी। तो मतलब इस पे स्लिप नहीं मारेगी ऐसा वो कह रहे हैं। तो चलो थोड़ी सी बर्फ डालते हैं अपनी कार पे। बहुत सारे लोग फंस चुके हैं यहाँ और ये बाइक फिर से गिर चुकी है। लेट्स हेल्प हिम। हेल्प करनी बहुत ज़रूरी है, नहीं करोगे तो आप बहुत बुरे आदमी हो। वंस अगेन चलो निकालते इसको, है ना। I'm just sitting here, I got time, it's clear to see. From up here, the world seems small. We can sit together, it's so beautiful, you and me. To be in the great outdoors, forever free. ट्रक भी नहीं चढ़ रहे, फुल स्लिप हो रहे ट्रक वगैरह और वो अपनी डस्टर वहीं फंसी हुई है। मेहनत कर रहे हैं, बर्फ हटा रहे हैं वहाँ पर अपने दोस्त। डस्टर फंस चुकी है अपनी, देखते हैं क्या सीन हुआ डस्टर के साथ। देखो टायर्स घूम रहे हैं बट गाड़ी नहीं चल रही है। निकल गई, निकल गई, फंस गई।
फाइनली डस्टर निकली तो है, आगे देखो कहाँ फंसती है। अंकल जी फुल मोटिवेट करते हुए, डरना नहीं है, डर के आगे क्या है अंकल, जीत है क्या? यार पूरी उम्र हो गई पर तो ये मिल गए हैं हर्ष सिद्धू व्लॉग्स, फिर से व्लॉग करते हुए बर्फ में। तो भाई 4 घंटे के जाम के बाद फाइनली रास्ता खुला है, खुला क्या खुलवाया है सब ने हेल्प करके। अरे भाई एक्सपर्ट देखकर फुल मस्ती कर रहे हैं यहाँ पर, आप लोग देख सकते हो। एक आदमी बैठो बोला था जेल से। थैंक यू भाई, थैंक यू सो मच अंकल, थैंक यू। फ्रेंड्स अभी हम पहुंचे हैं उपशी, ले से 55 किलोमीटर पहले यहाँ सारी गाड़ियाँ रोक दी गई हैं, सबका रैपिड टेस्ट होगा यहाँ पे, फिर ही आगे जा पाएंगे। जगह बहुत ब्यूटीफुल है, आगे बहुत प्यारे नज़ारे और आने वाले हैं। सही तो भाई यहाँ पे RT-PCR भी वैलिड नहीं है, यहाँ हमें रैपिड टेस्ट कराना होगा, हम फिर आगे जा पाएंगे। चलो टेस्ट कराते हैं और चलते आगे। रैपिड टेस्ट कराया है, अभी रिपोर्ट आएगी। ये मेरा नंबर था 48, बाकी अपने भाई लोग करा रहे हैं अभी। तो गाइस नेगेटिव रिपोर्ट आ चुकी है और अब हम इस बैरिकेड को क्रॉस कर सकते हैं। ठीक है तो चलते हैं आगे। गाइस ये है लेह की मॉल रोड, लाइन में लगने के बाद हमें मिल गया परमिट, तो चलते हैं आगे। तो गाइस अंकित भाई यहाँ पर एक्सट्रीम मोटो एडवेंचर भी है। हेलो।